नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का मंत्र विधान है महारुद्र का। रुद्र महारुद्र दोनों महादेव को बोला जाता है। जो वैदिक विधान है, जो वैदिक मंत्र है, उसमें महादेव का अगर कोई दूसरा नाम बताया गया है तो वो रुद्र है। शिव योगी स्वरूप है महादेव, महेश त्रि देवता में एक है, परंतु नाम महादेव का अगर बोला जाए तो वो रुद्र है। रुद्र का कई विधान मंत्र जो है आपको हर जगह मिल जाएगा, और जो सबसे आसानी से मिलने वाला मंत्र है वो ओम नम: शिवाय। जब ये चैनल खुला था तब भी मैंने बताया था कि जो ओम नम: शिवाय है वो अपूर्ण मंत्र है। दूसरा ये भी कि ओम बोलने के लिए सब अधिकृत नहीं होता। ओम के लिए यज्ञोपवीत होना जरूरी है, वो भी एक उम्र की सीमा में, नहीं तो फिर उसका प्रायश्चित होता है। परंतु जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय का, वो आप सभी को जानना चाहिए, और सिद्ध करके अगर आप उसको जाप करते हैं तो अत्यंत लाभ होता है। बहुत सरल विधान है, महादेव की तरह ही सरल विधान है ओम नमः शिवाय के जाप का। 21 दिन तक आप अगर इसको सिद्ध करने के दृष्टिकोण से 2,10,000 जाप कर लेते हैं मूल मंत्र का। इसमें 3 प्रकार का मंत्र होता है, ठीक है। पहला होता है जो प्रणाम करते समय महादेव को देखते हुए शिव गायत्री मंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये भी जो गायत्री मंत्र है ये थोड़ा गुप्त है, बहुत गुप्त है ऐसा तो नहीं कहूँगा। उसके बाद मूल मंत्र का जाप होता है, और मूल मंत्र के जाप के बाद रुद्र गायत्री मंत्र का 7 बार 21 बार जाप किया जाता है, ठीक है। तो महादेव का जाप के लिए क्या क्या विधान है? अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उस शिवलिंग को सामने रखकर उसका अभिषेक करके, अभिषेक कैसे करते हैं हम लोग, तो अभिषेक में उन सब चीजों का प्रयोग करते हैं जो पंचामृत में हम लोग करते हैं। तो क्या क्या पंचामृत में हम लोग प्रयोग करते हैं? तो दूध, दही, घी, मधु और गुड़, इन 5 तत्व से आप जो आपका शिवलिंग है, आपका जो बाणलिंग है, उसका आप अभिषेक करके पूजा को शुरू कर सकते हैं। महादेव को रक्त चंदन से पहले श्वेत चंदन का लेप किया जाता है, और उसके बाद रक्त चंदन का उनको तिलक लगाया जाता है। जो अर्घा होता है उसमें दुर्गा भगवती का वास माना जाता है, तो उस पे रक्त चंदन लगाते हैं या रोली भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शिवलिंग है उस पे लाल के अतिरिक्त कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, और जो अर्घा है उस पे लाल फूल हम चढ़ाते हैं। ये जब आपके पास शिवलिंग है तो, अगर शिवलिंग नहीं है, अगर आप किसी तस्वीर की पूजा करते हैं तो आप पंचामृत बना करके चढ़ा देंगे, ठीक है। लाल पुष्प चढ़ा देंगे, नैवेद्य में आपको जो चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे, घी का दीपक करेंगे। देखो अगर 21 दिन तक 5 दीपक आप चढ़ाते हैं, घी के 5 दीपक आप रखते हैं, और दिशा आपका नॉर्थ की ओर रहेगा। इस पूजा में जब भी आप भारत में पूजा कर रहे हैं तो दिशा नॉर्थ की तरफ रहेगा। बाकी आप दुनिया में किसी और जगह पर हैं तो आप जिस तरफ हिमालय है उस तरफ मुख करके पूजा करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम महादेव को आपने चाहे तो पंचामृत स्नान करा दिया या पंचामृत उनको चढ़ा दिया, नैवेद्य दे दिया, जल दे दिया, जल एक ग्लास में देंगे, धूप दीप जला दिया, पुष्प दे दिया, गंध जो है चढ़ा दिया। गंध का मतलब चंदन होता है, चंदन या इत्र आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। महादेव को जब इत्र चढ़ाना होता है तो कस्तूरी इत्र चढ़ता है। इतना करने के बाद शिव गायत्री मंत्र का 7 या 21 बार जाप करते हैं। शिव गायत्री मंत्र पढ़ने से पहले न्यास करना होता है। तो कैसे होता है न्यास? ओम महादेवाय हृदयाय नमः, तो हृदय को स्पर्श करेंगे। ओम विद्महे शिरसे स्वाहा, तो सिर का स्पर्श करेंगे। फिर ओम रुद्रमूर्ते शिखाय वसट, तो शिखा का स्पर्श करेंगे। ओम धीमहि कवचाय हूं, तो जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट कंधे पे रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट कंधे पे स्पर्श करेंगे। ओम तन्ना शिवा नेत्राय वसट, तो मध्यमा को थर्ड आई पे रखेंगे और रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को दोनों आंखों पर रखेंगे। और अंत में ओम प्रचोदयात् अस्त्राय फट, तो जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है राइट हैंड का उसको सर के चारों तरफ घुमा करके और सामने लेफ्ट हैंड को रखेंगे और उस पे 3 बार ताली बजाएंगे ऐसे। इतना करने के बाद जो मंत्र है उसका जाप करेंगे। ये शिव गायत्री मंत्र है। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। इसको कर लेंगे। शिव का आपने मंत्र कर लिया। इसके बाद आप मूल मंत्र का जाप करेंगे। मूल मंत्र में 3 बार बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम सम 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 ह्रीम ह्लीम ह्रीम ओम शिवाय नमः। ओम सम 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 ह्रीम ह्लीम ह्रीम ओम शिवाय नमः। देखो, ओम नम शिवाय जो मंत्र है उस पर हमेशा से डिबेट होता रहा है। मैंने हमेशा बोला है कि ओम नमः शिवाय जो है वो सही मंत्र नहीं, ठीक है। तो अगर रोज आपको जाप करना है तो शिव का यही मंत्र है जिसका आपको जाप करना चाहिए। ओम सम 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 ह्रीम ह्लीम ह्रीम ओम शिवाय नमः। पहला बीज जो है वो सम है, ओम तो है, फिर सम है दूसरा बीज ह्रीम, ह और र के संयुक्त से ह्रीम। फिर दूसरा बीज जो है वो ह्लिम है, ह और लॉ के संयोग से बना है, फिर ह्रीम, फिर ओम शिवाय नमः। इतना करने के बाद इसका 10,000 जाप करेंगे और अंत में फिर से जो रुद्र गायत्री मंत्र उसका जाप करेंगे। तो उसमें भी न्यास करना होगा। तो ओम तत्पुरुषाय हृदयाय नमः, ओम विद्महे शिरसे स्वाहा, ओम महादेवाय शिखाय वसट, ओम धीमहि कवचाय हूँ, ओम तन्नो रुद्र नेत्राय वसौट, ओम प्रचोदयात् अस्त्राय फट, ठीक है। इतना करने के बाद 21 बार फिर जाप कर लेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सिफर साइड में ओम दूम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करेंगे। ओम छोड़ देंगे, दूम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप कर लेंगे। कपूर लेकर के महादेव की आरती करेंगे। पूर्वगणनावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अंत में करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। ये जो पूरा विधान है ये आप 21 दिन तक करेंगे। 21 दिन के बाद जो एक माला जाप होता है रुद्राक्ष की माला में, वो इस मूल मंत्र का आप रोज कर सकते हैं। तो इससे महादेव प्रसन्न होंगे और जो त्रुटि के साथ जो आप जाप कर रहे हैं महादेव के मंत्र का वो आपका बंद हो जाएगा। तो उसका अपना ही फायदा है। कालांतर में आसान लगने के लिए बहुत सारे मंत्रों का अभ्रंश बना दिया गया और हम लोग उसको अपने जीवन में प्रयोग भी करने लगे, जिसके चलते बहुत सारी हानियां होती हैं। तो जो सही मंत्र है उस मंत्र का जाप करिए। जीवन में हमेशा धन और शांति और संपदा बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। इसमें हम साधना का शुरुआती आयाम सिखाते हैं, जैसे आसन पद्मासन साधना। जिन्हें मेरा आने वाला कार्यक्रम जानना है या मेरे द्वारा लिखे लेख पढ़ने हैं www.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें routermap@cm4 आप सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। महादेव आप सभी को खुश और स्वस्थ रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी का आदेश आदेश नीलकंठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्।